वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा. द वन विद अ कर्व्ड ट्रंक एंड अ लार्ज बॉडी, द वन हु कैरीज द स्प्लेंडर ऑफ अ मिलियन सन्स, द वन हु इज द रिमूवर ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स, वी बाउ टू हिम लॉर्ड श्री गणेशा. बुद्धि और ज्ञान के देवता श्री गणेश का नाम लेके आज के एपिसोड का शुभारंभ करते हैं. स्वागत है आप सभी का नाद अ लर्निंग सीरीज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मेरे यानी शिंजनी कुलकर्णी के साथ. हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं उस्ताद जौहर अली जी, जो सिखाएंगे हमें तत्वाद्य यंत्र वायलिन. उस्ताद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. और साथ ही स्वागत करती हूँ मैं आपके साथ आए सभी संगत कलाकारों का. शादाब अली जी तबला पे, तानपुरे पे हुमायूं अली जी, और आपके शागिर्द सोहम और रायमा का. हमने पिछले एपिसोड्स में वायलिन की अनेकों टेक्निक्स के बारे में जाना और अलग अलग रागों के ज़रिए इन टेक्निक्स को सीखा. मगर एक ऐसी चीज़ है जो अधिकतर हम वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा सुनते हैं, वो है कॉर्ड्स. क्या कॉर्ड्स का इस्तेमाल वायलिन में शास्त्रीय संगीत में भी होता है? कॉर्ड्स जो है, सबसे पहले ये समझिए कि कॉर्ड्स है क्या चीज़. कॉर्ड्स जो होता है वो स्वरों का एक समूह होता है. वो अकॉर्डिंग टू जो सॉन्ग की या किसी राग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको और सुंदर बनाने के लिए एक साथ वो स्वर बजाना पड़ते हैं. गिटार में ये वर्सटाइल तरीके से होता है कॉर्ड्स, हारमोनियम पे भी और वायलिन पे भी. तो वायलिन में किस तरह से कॉर्ड्स बजाए जाते हैं वो एक मैं पेश कर रहा हूँ, मैं सिखाता हूँ अपने शिष्यों को, और दर्शक भी जो वायलिन सीखना चाह रहे हैं और जो सीख रहे हैं वो इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि ये कॉर्ड्स क्या हैं. कॉर्ड्स मतलब स्वरों का समूह, तीन या तीन से अधिक, कहीं कहीं दो भी होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, तो वो कॉर्ड्स कहलाते हैं. ये एक अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में स्वरों का समूह कहते हैं उसको. तो आइए हम कुछ कॉर्ड्स सुनते हैं. पहला कॉर्ड्स सा गा पा जी, तो सा बजाया सा गा, शुद्ध गा पा. अब सागा पा पे जब आए तो अब उसको डबल कर लीजिए स्ट्रिंग्स. अब रे मा धा, अब मा और धा सात बजे रे मा के बाद. अब आएगा तीसरा कॉर्ड गा पा नी. अब जब उसमें सा शामिल हो जाएगा तो ये कॉर्ड बन जाएगा. अब मा धा सा, साधा मा, नी पा गा, धा मा रे. गा रे पा, अपने आप आपको बता दूं.
कॉर्ड्स हैं ये, सुरों से सुरों को एक सिस्टमेटिक वे में उसको बजाना। जी उस्ताद जी, जब हम टर्मिनोलॉजी की बात कर ही रहे हैं, इसी नॉमेनक्लेचर में एक टर्म अक्सर आता है, वो है सपाट ताने और उत्तरांग ताने, पलटे। इन सभी शब्दों का क्या मतलब होता है और ये एक से दूसरा फर्क कैसे होता है? जी, सबसे पहले हम बात करेंगे सपाट तान। सपाट तान होती है जो तान एक थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड में जाए और उसमें ज़्यादा स्वर लगें और वो एक बो में या एक गति में चली जाए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास स्वर हैं, इतने स्वर हैं, थोड़े से आप बजा दो, इन स्वरों को एक बो में लेना है, ये सपाट हो गया। तो ये कई प्रकार की तानों में आती हैं, जैसे भैरवी में, या दूसरे रागों में, किरवानी में, इसमें एक बो और बहुत सारे स्वर इस्तेमाल होंगे। कितने फास्ट बजा सकते हैं आप सरगम देखो। स्लो सपाट बजाइए, एक बार और, सपाट तान बहुत फास्ट भी हो सकती है। अब आइए, जो आपने चर्चा की उत्तरांग। जी, उत्तरांग का मतलब होता है कि किसी जगह से हमें वापस आना। इसी तरह संगीत में भी जब हम स्वरों से उतरते हैं, जैसे हम गाते हैं सारेगामा पाधा निसा, तो सानी धापा मागा रेसा, जी, तो वो तो एक उत्तरांग है, उत्तरांग का एक छोटा रूप है। लेकिन बड़ी बड़ी तानों में, एक्सरसाइज में, इवन के आलाप में भी वो उत्तरांग होता है, यानी कि रिटर्न, और वो रिटर्न वापस ही सा पे आता है, जिस तरह हम वापस अपने घरों में आते हैं उसी तरह उसका वो तरीका है। अब मैं सिर्फ उत्तरांग का सबसे छोटा एग्जाम्पल, उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सासा नीनी धादा पापा मामा गागा रे रे सासा, 1 2 3 4। अब सानी सानी धा नी धा नी धा पा, 1 2 3 4।
अब जब हम इसको और डिटेल में जाएंगे और फास्ट बजाते हैं, तो जैसे हम गए, ये हमारा आरोह क्रम है, तो उतरांग, अब उत्तरांग को गमक में कैसे बजाएंगे, जैसे कि अब इसको बढ़ गया, अब हम डिसेंडेंट वे में जा रहे हैं जी, उत्तरांग में। और उस्ताद जी, पलटे 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 भी एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास की फॉर्म है, और ये बहुत ही सुंदर विधि है, और ये पलटों से ही पूरा संगीत का स्ट्रक्चर बनता है। हर तरह के पलटे, पलटा मतलब किसी चीज़ के जाके रिवर्स होना, पलटना। जैसे एक पलटा बहुत छोटा सा है, लेकिन वायलिन में और हर इंस्ट्रूमेंट में बजता है जी, उसका है गारे गारे सा सा सा, गा रे गा रे सा सा सा, ये पलट रहा है, सारे सारे गा गा गा, वो ये जा रहा है, लेकिन ये रिवर्स भी हो रहा है जी। लेकिन पलटों में कई प्रकार के पलटे होते हैं, जिसमें आपको गोइंग भी, आरोह भी दिखाना पड़ता है, ताकि उसकी, उसका रिटर्न, उसका वापस आना हाईलाइटेड हो जी। तो गारे गारे सा 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 मैं एक बार बजाऊंगा, फिर आप लोग बजाइए। 1 2 3 4 आपको सुना रहा हूं, जो सब रागों में अलग अलग तरीके से अभ्यास होगा उसका। देखिए ये पलटा है, सारेगा सारेगा सारे सागा रेगा सारेगा मा।
वन टू थ्री फोर धा दिन दिन धा धा दिन दिन स्लो कॉस है जिसमें रे स्वर नहीं लगता जी, कोमल गा लगता है, पंचम नहीं लगता, यही एक्सरसाइज उसमें कैसे बजेगी? हजारों लाखों पलटे हैं और इन पलटों पे ही संगीतकार जो सीखते हैं और जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं वो भी इन पलटों पे रियाज़ करते हैं, कोई एक पलटे का एक टुकड़ा पकड़ के उसको रिफाइंड करते हैं, तो वो सब तरह का संगीत बजाने में ये पलटे वहाँ सहयोग करते हैं जी। उस्ताद जी, जैसे आपने कहा कि इन पलटों का रियाज़ हर वो इंसान करेगा जो इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश कर रहा है, सीख रहा है। भारत में एक बहुत बड़ी धरोहर शास्त्रीय संगीत के अलावा फोक म्यूज़िक की भी है और हर प्रांत का अपना फोक म्यूज़िक बहुत ही रिच और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन के साथ आता है। क्या वायलिन में उसको भी बजाया जाता है और किस तरह से उसका उपयोग किया गया है रिकॉर्डिंग्स में, म्यूज़िक में? देखिए, इंडिया इज़ ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वी हैव टू क्लासिकल म्यूजिकल सिस्टम, वन इज हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड अनदर इज़ कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक एंड वी हैव लॉट ऑफ फोक म्यूजिक फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स जी। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी धरोहर है, दुनिया में दो ही क्लासिकल म्यूजिक की फॉर्म्स सिर्फ भारत में है और बहुत सारे फोक हैं और फोक भी वायलिन में बजाए जाते हैं और किस तरह से बजाए जाते हैं वो मैं थोड़ा सा आपके लिए एक बहुत सुंदर सा अपने दर्शकों के लिए, सीखने वालों के लिए ये खूब रियाज करके मैं लाया हूँ। हमारे जो फोक हैं वो सिर्फ रिदम और म्यूज़िक से उस जगह को पहचान लिए जाते हैं जी, कि ये उस जगह का फोक है। द म्यूज़िक हैज़ इट्स सेल्फ ए पावर, अपने आप में संगीत में एक पावर है जो उसको में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उसके शब्द नहीं हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे कि एक जगह का संगीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपको पता ही चल जाएगा वो कहाँ का है। Thank you.
राजस्थान। बिल्कुल, ये हमारे राजस्थान का बहुत ही प्रिय पधारो मारे हमारे देश, ये इसका बोल है, इसके मांड इसको बजाई जाती है। कभी विस्तार में हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। अब हम दूसरे राज्य पे आते हैं, ये देखिए ये भी बड़ा मशहूर है। सुंदर राज्य गुजरात। गुजरात, और ये गीत सबको याद है। अब मैं आपको जो गीत सुना रहा हूँ, वो इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी ने इस गीत का वो हिस्सा है कि हम सब जानते हैं, तो ज़रा उसको सुनिए। बंगाल, और लिखने वाले गुरु स्वर्गीय रविन्द्रनाथ टैगोर। बिल्कुल, है ना, उनको कौन नहीं जानता। बिल्कुल, अब हम दूसरे राज्य की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, ये सब वायलिन में ही बज रहा है और आपको पता चल रहा है कि ये इस राज्य का संगीत है। तो जितनी भी मैंने पिछली आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, जो सीखने वाले हैं, आप इस सबको बजा सकते हैं अगर आपने ध्यान से उसको अभ्यास किया, उसको सीखा। क्योंकि उसमें डबल स्ट्रिंग्स के, वायलिन के स्वर, डबल तार सब बज रहे हैं। आइए हम एक और राज्य की तरफ बढ़े, उसका बहुत सुंदर एक संगीत है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उत्तराखंड। अच्छा, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के फोक म्यूज़िक हैं जी, उसमें बहुत सारे प्रचलित पॉपुलर गाने भी बने हैं, और वो फोक म्यूज़िक जो है ना, वो अमर है। बिल्कुल, उनकी अपनी पहचान है, और उसको बजाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, सीखना भी अच्छा लगता है, सिखाना भी अच्छा लगता है। तो उसमें यही स्वर हैं, यही सरगम है, यही कोमल नोट्स हैं, इसी तरह से उंगलियों से उसको बजाया जाता है। अगर आप वायलिन सीखेंगे तो ज़रूर इस चीज़ को आप सीख सकते हैं। बिल्कुल, आपने हमें यहीं स्टूडियो से बैठे बैठे पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करवाया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। ये संगीत की पावर है।
दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक. हमारा देश गायन वादन नृत्य से इतना समृद्ध है कि जितना सीखा जाए जितना जाना जाए उतना कम है. तो ये सीखने की प्रक्रिया, ये लर्निंग सीरीज यूं ही जारी रहेगी अगले एपिसोड में. आप देख रहे हैं नाद, अ लर्निंग सीरीज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में. जानेंगे तत्वाद्य यंत्र वायलिन के बारे में और गहराई से.